सो गाइस वेरी गुड मॉर्निंग। अभी ये गुड मॉर्निंग है कि गुड नाइट है मुझे तो नहीं पता। टाइम इज़ 12:25 AM। मैंने ना अभी पुलिस को डायल किया था, ये करीबन 54 सेकंड का मैंने कॉल किया है। बाहर जो है ना एक कंस्ट्रक्शन साइट है ठीक मेरे मकान के साथ में, वहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर आ रहा है, उसके रिगार्डिंग मैंने ये कॉल किया था। ये कॉल किया था मैंने 12:22 पे, 54 सेकंड मेरी बात हुई है इंक्लूडिंग दैट IVR स्टफ़। तो अब मैं बाहर आपको दिखाता हूँ कि बाहर शोर क्या मच रहा है, कौन सी साइट है। सो गाइज अब ना मेरे पास एक मैसेज आया है जिस पे लिखा हुआ है, डियर माई नेम योर कॉल टू 112 हैज़ बिन रजिस्टर्ड फॉर सर्विसेज हॉटलाइन पुलिस लव 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 यूनिक रेफरेंस आईडी दिस थैंक्स फॉर कॉलिंग दिस ओ माई गॉड प्लीज़ वियर मास्क। पुलिस वाले खुद ही मास्क नहीं पहनते ठीक है कोई बात नहीं। डियर दिस इज दिस PCR पेट्रोल व्हीकल दिस मोबाइल नंबर दिस इज़ रीचिंग यू शॉर्टली। अरे मुझे रीच नहीं करना है भाई साहब, ये जो शोर मचा रहे हैं उनको बंद करना है। और उन्होंने नंबर दिए और फिर उन्होंने हिम्मत का ऑनलाइन फीडबैक दिया, नीचे लिखा हुआ जय हिंद। तो हम भी कहते हैं जय हिंद, उसमें क्या इशू है। ये काम चल रहा है इनका, अभी रात को 12:30 ये काम कर रहे हैं। ये आपको आवाज़ सुनाई दिया, देखो ये देखो ये दो लेबर रात भर काम कर रहे हैं और ये रात भर ये उठाते उठाते रहेंगे चलते। तो हम यहाँ पे सोएंगे या शोर शराबे की आवाज़ सुनेंगे। ये यहाँ पे इसका ट्रैक्टर आया हुआ है और ये यहाँ पे आवाज़ कर रहा है। पुलिस वाले का फोन, कितना मेहनत कर रहे हैं बेचारे। सो गाइज इज 104 ओके 1:04 हो रहे हैं सुबह के, सुबह तो नहीं है आधी रात है बेसिकली। तो मुझे जो है इन भाई साहब ने पहले कॉल किया जब मैंने 100 नंबर डायल किया था, इन भाई साहब का कॉल आया 12:28 पे। मैंने पुलिस वाले को कॉल किया था 12:22 पे, 12:26 पे मेरे पास मैसेज आता है, 12:25 पे मेरे पास मैसेज आता है कि ये आपकी यूनिक रेफरेंस नंबर है और ये कंप्लेन रजिस्टर हो गई है और ये PCR पेट्रोल व्हीकल नंबर लावा 86 मोबाइल नंबर दिस ये हमें रीच करेंगे। इनका तो फ़ोन आया नहीं भाई साहब का, अब दूसरे भाई साहब का फ़ोन आया है मेरे पास 2-3 बार ठीक है ना जी। इन भाई साहब का फ़ोन आया है 3 बार, 12:50 पे, 12:52 पे, 12:57 पे भाई साहब कह रहे हैं हमें लोकेशन ही नहीं मिल रहा। और भाई साहब को मैंने लोकेशन भेजा हुआ है व्हाट्सएप पे, फ़ोटो भी भेज दी मैंने तो। और ये अपना सर कह रहे हैं आप अपने लोकेशन डाल दो, ये खुल नहीं रहा जबकि ये खुल रहा है। और फिर मैंने एड्रेस लिख दिया और यहाँ पे ये जब मैं खोलता हूँ तो ये बकायदा ये लोकेशन खुलता है और मेरे घर से मेरे लोकेशन से ये 1 मिनट का रास्ता है।
तो आप मुझे बताइए, अगर इस तरीके की हरकत होगी, आधे घंटे लग गए, एक पुलिस वाला नहीं पहुंचा मेरे प्रॉब्लम पे, और ट्रैक्टर वाला फुल करके, मलबा फुल करके वो चला गया। तो ये जो है, अब मैं दिल्ली पुलिस को करूँगा टैग और पूछूँगा कि भाई साहब ये क्यों किया आपने मेरे साथ ऐसे, ना ये ऐसे, ये हिम्मत का मैसेज, ये डीजी मेट का मैसेज क्यों भेजा आपने झूठ मूठ का। फिर मैंने हिम्मत ऐप भी इंस्टॉल किए, वो हिम्मत ऐप में कुछ दिखी नहीं ना मुझे। मैं गाइस आपको हिम्मत प्लस दिखा दूँ, ये मैंने हिम्मत प्लस इंस्टॉल किया है, ठीक है। मैं तो खैर ऐप डेवलपर रहा हूँ, रह चुका हूँ, ये इन्होंने हिम्मत प्लस बनाया है। इस हिम्मत प्लस में इन्होंने क्या किया है, इन्होंने ये एक मैसेज रखा हुआ है, इस पे इन्होंने ड्राइवर QR कार्ड का स्कैन करा हुआ है, ये सेटिंग दिया हुआ है। मोर में कुछ नहीं है, हेल्प में क्या है, कुछ नहीं कर सकता मैं, सिर्फ SOS कर सकता हूँ और कुछ नहीं कर सकता मैं, नथिंग, और कुछ नहीं है इसमें, ठीक है ना। ये SOS पे, ये SOS का अलर्ट आ जाएगा, दैट्स इट। इस पे ना कोई कुछ है, इसमें ना मैं फीडबैक दे सकता हूँ, ना कुछ कर सकता हूँ। ये यहाँ के बाय डिफ़ॉल्ट मैसेजेस आ रहे हैं ट्विटर के, फेसबुक के, जिसका कोई लॉजिक नहीं है, ठीक है ना जी। तो अब आप मुझे बताइए कि इस कंप्लेन का क्या करूँ मैं, व्हाट शुड आई डू विद दिस कंप्लेन। ये जो कंप्लेन मैसेज भेजा हुआ है, ये 20-25 पैसे खर्च करके दो मैसेज भेजे हैं भाई साहब ने, डीजी मेट ने, मैं इसका क्या करूँगा बताओ आप मुझे, व्हाट शुड आई डू, नथिंग। प्लीज़ प्रोवाइड योर वैल्यूएबल फीडबैक एट दिस। अब मैं रात को 1:07 पे मैं ये वैल्यूएबल फीडबैक दूंगा इनको फ़ोन करके, और नीचे लिखा भी हुआ है प्लीज़ फिल इन द ऑनलाइन फीडबैक फॉर्म। ये फीडबैक फॉर्म चल नहीं रहा, इनवैलिड रिक्वेस्ट। मैंने इस लिंक को ओपन किया, ये इनवैलिड रिक्वेस्ट बता रहा है। तो ये तो इनका सिस्टम है, ये इनका सिस्टम है। अच्छा, इन भाई साहबों को चलान पहले चाहिए है ना, विदाउट मास्क का भी चलान काटने लग गए DP वर्दी वाले आजकल, हमें तो बहुत मिलते हैं। हम तो सीधा एक क्वेश्चन करते हैं जी, ये सामने वाला जो है ये मास्क में क्यों नहीं है, इसका चलान काटो, हम भी देंगे चलान, 2000 का 4000 देंगे, कोई बात नहीं। अब बताओ आप क्या करूँ मैं इसका। चलो गाइस आप कमेंट में बताना कि ये रात को कचरा उठा रहे हैं, कचरा नहीं है एक्चुअली, कंस्ट्रक्शन साइट से कचरा ही है, मलबा है बेसिकली। इतना शोर शराबा करके रात को 12:30-1 बजे बंदा सोएगा कि जगेगा वो। अब वो तो गए,